अगर आप नया एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज कभी भी परचेस करते हो और घर आने के बाद जब आप उसको ओपन करते हो वो कहीं ना कहीं से अगर डैमेज निकल जाता है या फिर स्क्रैच निकल जाता है, उसको रिटर्न किस प्रकार से आप कर सकते हो वो डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मान के चलते एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन किसी चीज़ में भी एग्जाम्पल में लेते हैं, एक रेफ्रिजरेटर, जैसे कि कोई फ्रिज आप परचेस किए और घर आने के बाद वो उसे अब जब ओपन किए तो उसमें कहीं डोर के पास आप लोगों को डेंट निकला, मतलब डैमेज निकला, या फिर मान चलते हैं वहाँ पर आपका स्क्रैच निकला, तो अब क्या करना, आपको रिटर्न करना। रिटर्न करने का प्रोसेस क्या है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसे नॉर्मली कोई भी कंपनी रहता है तो सभी इजीली वो रिटर्न आपका कर सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को आज वीडियो में बताने वाला हूँ रिलायंस के बारे में। जो कि मैं जब से रिलायंस में ज्वाइनिंग हुआ हूँ तब से मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि कभी भी इसमें स्क्रैच वगैरह आता है हमारे रेफ्रिजरेटर में या फिर एसी में, तो 7 डेज़ के अंदर ईजिली वो रिटर्न हो जाता है। इस चीज़ को मैंने नोटिस किया है और बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न आपका हो जाता है। एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसे रेफ्रिजरेटर के बारे में जैसे मैंने आप लोगों को बताया वो आपका डैमेज कहीं ना कहीं से निकला है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जिस जगह पर डैमेज है उसका आपको फोटो लेना है, पहला स्टेप यही है। सेकेंड स्टेप ये है आप लोगों का कि जिस जगह पर डैमेज था उसका तो आप फोटो ले लिए। सेकेंड चीज़ होता है आपको सीरियल मॉडल, सीरियल मॉडल होता है एक स्टिकर, हो सकता है आपका जो डोर रहता है जो कि फ्रिज का डोर रहता है उसको आप ओपन कीजिएगा तो वहाँ पर आपको सीरियल मॉडल आपको मिल जाएगा, उसका आपको एक फ़ोटो ले लेना है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये, पहला चीज़ आपको डैमेज का फ़ोटो, दूसरा आपका सीरियल मॉडल का फ़ोटो, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो आता है बॉक्स। मान के चलते जैसे आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ रेफ्रिजरेटर का, तो रेफ्रिजरेटर का जो बॉक्स होता है उसका आपको चारों तरफ से एक एक फ़ोटो ले लेना है, मतलब चार फोटो आपका होना चाहिए चारों एंगल से रेफ्रिजरेटर का बॉक्स का। एसी रहा तो उसका भी सेम सिस्टम इसी प्रकार से हुआ, ठीक है। तो बॉक्स का फोटो ले लिए हम लोग, सीरियल मॉडल का फोटो ले लिए और डैमेज का फोटो ले लिए, ठीक है। चौथा जो चीज़ होता है वो आता है आपका एक वीडियो, एक वीडियो के लिए आपको छोटा सा बनाना है जिसमें आपको ये दिखाना है कि उसका सीरियल मॉडल कौन सा है और आपका जहाँ पर डैमेज है उस जगह का आपको वीडियो उसी में शूट करना है, ठीक है। मतलब उस वीडियो में आपको दिखना चाहिए सीरियल मॉडल और उस डैमेज का, जो डैमेज हुआ उस जगह का मतलब के वीडियो, ठीक है। तो इस तरह से आपको वीडियो वगैरह और फोटो लेकर के आपको कंपनी में भेजना है, या फिर ऐसे टेक्नीशियन तो आते ही है, ये भी चीज़ आपको पता ही होगा, अगर आपका डैमेज वगैरह हो जाता है तो आपका टेक्नीशियन वहाँ पहुँचेगा ही, क्योंकि रिलायंस में ऐसा होता है कि जो टेक्नीशियन रहता है वही बॉक्स को ओपन करता है रेफ्रिजरेटर वगैरह को, ठीक है। तो वो अगर देख लेता तो वो वीडियो वगैरह शूट करके इजिली वो भेज देगा, जैसे मैं देखता हूँ तो उसको वीडियो वगैरह शूट करके भेजता हूँ तो इजिली काम हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि हाँ टेक्नीशियन को लेट हो रहा आने में और आप पहले बॉक्स को ओपन कर चुके, तो कुछ इसी प्रकार से आप लोग करना है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना है, सर्विस सेंटर में भेज देना है या फिर डीलर को भेज देना है। जिस डीलर से आप परचेस करते हो अपने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, उस डीलर का आपको ये चीज़ भेज देना है। तो डीलर को भेजने के बाद वो ऑटोमेटिक आपका सर्विस सेंटर के मेंबर को भेजेंगे, सर्विस सेंटर का जो भी लड़का रहेगा वो आकर के चेकआउट करेगा, चेकआउट करने के बाद इजिली आपका 7 डेज के अंदर ही इजिली के इजिली आपका वो रिटर्न हो जाएगा, कोई तरह का प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। ये तो मैंने आपको रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल दिया, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सभी चीज़ में इसी प्रकार से होता है। अगर आपका कोई एसी ऐसा है जो कि आप कुछ दिन पहले लगाए हैं, एग्जाम्पल मैं आप लोग बता रहा हूँ, मान के चलते आपको 10 दिन 15 दिन हुआ है और उसमें गैस लीकेज हो गया है, गैस लीकेज होने के बाद आपका यही होता है कि कोई टेक्नीशियन आता है चेक करता है, ठीक है। उस प्रोसेस में अभी आपका इजिली रिटर्न हो जाएगा। अगर गैस लीकेज रहेगा नॉर्मल सा नट वगैरह में तो आपका उसी समय वो चेकआउट होने के बाद गैस चार्जिंग हो जाएगा, लेकिन अगर इंटरनली कहीं से लीक है, जैसे कि आउटडोर यूनिट होता है, आउटडोर यूनिट में कहीं ना कहीं से पैप से लीकेज वगैरह रहा, तो उस प्रोसेस में भी आपका जो एसी रहता है वो इजिली रिटर्न हो जाएगा, कोई तरह का आपको इशू नहीं आएगा। सेम प्रोसेस करना है, सीरियल मॉडल का आपको वीडियो लेना है, फोटो लेना है, और जिस जगह से लीकेज है उसका वीडियो बनाना है। ऐसे नॉर्मली टेक्नीशियन आकर के ये काम करेगा ही। अगर आपको ये नॉलेज है, ऊपर से आपको लीकेज वगैरह दिख रहा है, तो आप उसका वीडियो वगैरह शूट करके इजिली कंपनी को भेज सकते हैं या फिर आप डीलर को भी भेज सकते हैं, तो उनको आइडिया हो जाएगा हाँ इस जगह से लीकेज है, इस जगह से डैमेज है। बाकी टेक्नीशियन जो होता है वो आकर के ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हमारा समय लग जाता है ज़्यादा, लेकिन टेक्नीशियन नहीं पहुँच पाते, तो इस प्रोसेस को करने के बाद आपका इजिली इस तरह का काम हो जाएगा। चाहे ये तीनों चीज़ रहे आपका, जिस तरह से मैंने बताया एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तो ये जानकारी मुझे लगा आप लोगों को बताना ज़रूरी है। कभी ऐसा होता है हम लोगों के साथ भी कि हम लोग एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लेकर के आते हैं लेकिन डैमेज कहीं ना कहीं से निकल जाता है या फिर स्क्रैच वगैरह निकलता है या फिर डेंट रहता है, तो इस प्रोसेस के माध्यम से आपका इजिली एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन रिटर्न हो जाएगा, कोई तरह का इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये रिलायंस में मतलब कि देखा है कि इजिली उसमें रिटर्न हो जाता है, कोई तरह का इशू नहीं आता है। बाकी सारा कंपनी भी सेम प्रोसेस होगा मुझे जैसा लगता है, मैंने भी नोटिस किया है, ऐसे बहुत से दोस्त मुझे बताते भी जो कि एयर कंडीशन में काम करते हैं, तो ये जानकारी मुझे लगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ।
अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।